हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं लौकी के पराठे। लौकी सेहत के लिए अच्छी होती है और आजकल बच्चे सब्जियां खाने में बहुत दिक्कत करते हैं, तो हम उसे लौकी के पराठे के फॉर्म में दे सकते हैं। इसमें मैंने 3 बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है। 100 से 150 ग्राम तक मैंने लौकी ली है जो कद्दूकस करके रखी हुई है। 1 बड़ी कटोरी मैंने दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून चीनी भिगो के रखी है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, अदरक, मिर्च और लहसुन की पेस्ट रेडी की हुई है और नमक स्वाद अनुसार हम लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डो रेडी कर लेते हैं। आटे के अंदर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और स्वाद अनुसार हम उसमें नमक मिक्स कर लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को मिक्स करने के बाद उसमें हम अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और उसमें कद्दूकस करके रखी हुई लौकी भी ऐड कर लेंगे। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दही मिलाना है ताकि ये डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। रोटी के जैसा सॉफ्ट रखना है डो हमें। डो हमारा रेडी हो गया है। हल्का सा तेल लगा के उसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख लीजिए। ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि लौकी में से जो पानी छूटता है उसकी वजह से आटा ढीला हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा आटा एकदम सॉफ्ट रेडी हो चुका है। तो आइए हम इसमें से 2 लुई बनाकर पराठे रेडी कर लेते हैं। ये मैंने सूखा आटा लिया है, उसकी मदद से हम पराठा बेल लेंगे। हमारा पराठा रेडी हो चुका है। हमें इसे नॉर्मल पराठे की तरह ही सेकना होता है। तेल डाल के हम अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो ये लीजिए, हो गए हमारे लौकी के पराठे एकदम रेडी। इसे मैंने ठंडी दही और खट्टे अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो उस पर बटर लगा के थोड़ी सी चीज़ डाल के बच्चों को दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।